बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, दिस इज मोहम्मद अदनान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम टॉकिंग ऑल द कैंडिडेट्स पीपीएससी एफपीएससी पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। टुडे माय टॉपिक इज How to the pass examination of Punjab Public Service Commission and Federal Public Service Commission in 3 months? Yes, 3 months mein Punjab Public Service Commission or Federal Public Service Commission imtihan kaise pass kiya ja sakta hai? Ye video specially Punjab Public Service Commission and Federal Public Service Commissions कैंडिडेट के लिए है, जो कहते हैं कि एक साल में इसका एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। ऐसे कैंडिडेट्स को बताने लगा हूं कि 3 मंथ में कैसे, कौन से टिप्स हैं जिस पर हम अमल करें और 3 मंथ में पीपीएससी और एफपीएससी के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स 80-85 मार्क्स गेन कर सके। सो ऐसे कैंडिडेट्स जो कहते हैं हमारा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, हमें कोई मोटिवेशनल नहीं मिल रही, हम क्या करें? और वो दोस्त हौसला तोड़ देते हैं, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। सो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप टेंशन ना लें, ये वीडियो जरूर देखें। इंशाल्लाह अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल और करम से हम 3 मंथ में इसका पीपीएससी और एफपीएससी का सिलेबस कवर करेंगे और इंशाल्लाह 80-85 मार्क्स गेन करेंगे। फेलियर के 3 रीजंस हैं ऐसे कैंडिडेट्स जो फेल हो जाते हैं। एक एक साल मेहनत करते हैं, दो साल मेहनत करते हैं, क्यों फेल हो जाते हैं, क्या रीजंस हैं उनकी? यस, देखें, फर्स्ट रीजन, इफ यू वांट समथिंग यू मस्ट पे दी प्राइस, नथिंग इज फ्री। इनमें कोई चीज फ्री नहीं है, कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा। क्या खोना पड़ेगा? टाइम, एनर्जी, इमोशंस, कमिटमेंट। अगर ये सब चीजें आपको खोनी है, अगर ये सब चीजें आप खो देंगे, यानी कि हम टाइम देंगे किसी स्टडीज, कोई भी कमिटमेंट करेंगे उसको पूरा करेंगे, उस पर एनर्जी लगाएंगे, तो तब भी इस दौड़ में शामिल हो सकेंगे। 3 मंथ में पीपीएससी और एफपीएससी का पेपर पास कर सकते हैं, कर सकेंगे और मैक्सिमम मार्क्स ले सकेंगे। सो ऐसे स्टूडेंट्स जो छोटे छोटे प्रायोरिटीज में लग जाते हैं, लाइक होम ट्यूशन एस एशा, वो इस दौर में वाजिब होम इस दौर में शामिल नहीं हो सकते। सेकेंड रीजन इज आई एम एड्रेसिंग The young boy, poor and middle class family. भाइयो, मैं भी आपकी क्लास से ताल्लुक रखता हूँ, मुझे आपसे हमदर्दी है। Because I was one of you. आप छोटे-छोटे priorities में लग गए हैं, असल future को भूल चुके हैं आप। Now listen to me very, very carefully. छोटी-छोटी प्रायोरिटीज में जैसे लग गए हैं, सिक्योरिटी नहीं। अगर आपको जॉब मिल गया, वेल एंड गुड, क्या आपने कभी देखा है इसका फ्यूचर में क्या सिक्योरिटी है? नो, बदकिस्मती से आपने ये कभी ये देखा है? खैर, इंशाल्लाह ये फियर की सेकंड रीजन थी कि क्यों फेल होना चाह रहे हैं। थर्ड रीजन इज आई एम टॉकिंग ऑल यंग पीपल हु आर डूइंग जॉब इन प्राइवेट सेक्टर। यस भाइयो, आप जवान हैं, मान लिया, आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है, जनून है, आप को जॉब कर रहे हैं, वेल एंड गुड कर रहे हैं। भाई, जवानी कब तक रहेगी? कब तक ये जोर जज्बे से काम करोगे? क्या सिक्योरिटी है ये आपकी? ये प्राइवेट सेक्टर किसी के नहीं होते। प्राइवेट सेक्टर जब देखेंगे आपके अंदर जज्बा, जनून, जज्बा, हिम्मत खत्म हो रही है स्टेप बाय स्टेप,
आपको भी स्टेप बाय स्टेप कट करेंगे। सो डोंट वेस्ट योर लाइफ, डोंट वेस्ट योर टाइम, होश के नाखून लो। वर्क हार्ड इज वन टाइम, एक ही बार हिम्मत करो, टाइम दो, अपना फ्यूचर सिक्योर करो। सो इसी वीडियो को मजीद आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो कमेंट में क्वेश्चन पूछें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। एंड आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि हम 3 महीने में पीपीएससी और एफपीएससी को पीपीएससी और एफपीएससी के पेपर में हम कैसे 80-85 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। देखें जी, अब हमने देखना सक्सेस, हमने कौन से असूलों पे अमल करें, हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, अच्छा फ्यूचर बन सकता है हमारा। यस, दो चीजों का जानना जरूरी है, खुदा एतमादी और खुद एतमादी। अगर खुदा एतमादी हो जाए तो खुद एतमादी हो ही जाती है। अगर अल्लाह पे एतमाद है आपको और खुद पर एतमाद है तो आप इजीली कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। सो अगर अल्लाह पे एतमाद है तो अल्लाह अपने बंदे को टूटने नहीं देता, मायूस नहीं होने देता। अगर अल्लाह की तरफ से नहीं मिला तो अल्लाह की रजा समझें और उसी में खुश हो जाए। अल्लाह के बंदे के अंदर तो ये खास खूबी होती है कि वो मायूस ही नहीं होता, वो तदबीर करता है, वो तकदीर से लड़ता नहीं है, वो खेती को पानी देता, फारिग नहीं बैठता। यस, पानी देता है लेकिन फारिग नहीं बैठता। सो अल्लाह की रजा में हमें राजी हो जाना चाहिए और अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए, खुद पर भरोसा करना चाहिए। और खुद पे भरोसा करें आज कि हम 3 महीने के अंदर हम पीपीएससी और एफपीएससी के पेपर को क्लियर कर सकते हैं और मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं। अब चलते हैं सिलेबस की तरफ। कैसे हमें ये देखना है क्वालिफिकेशन कि कौन से ऐसे कैंडिडेट्स जो पीपीएससी और एफपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। 14 ईयर होनी चाहिए उनकी क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन होनी चाहिए एटलीस्ट, बैचलर होनी चाहिए। सो एज मैटर करती है, यस 18-25 इयर्स होनी चाहिए और 5 इयर्स समथिंग रिलैक्सेशन भी होती है। सो हमें सिलेबस का पता होना चाहिए, सिलेबस से पहले होना चाहिए पेपर पैटर्न, हमें पेपर का पता होना चाहिए पेपर किस तरह आएगा। 100 एमसीक्यूज होते हैं, हर एमसीक्यू एक नंबर की होती है। अब इसमें मसला क्या है, वो एक और 40 नंबर पासिंग मार्क्स तो हैं लेकिन मेरिट तक नहीं पहुंचते। मेरिट तक पहुंचने के लिए हमें कुछ टिप्स पे अमल करनी होगी तो तभी हम मैक्सिमम नंबर ले सकेंगे और एक मेरिट तक पहुंच सकेंगे। यस, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एंड थर्ड पॉइंट इज सिलेबस। सिलेबस को हम देखते हैं कि भाई कौन कितने सिलेबस पार्ट्स हैं इसके, 10 सब्जेक्ट्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है। वो सब्जेक्ट्स जो बेसिक है, फर्स्ट वन इज इंग्लिश, इंग्लिश चाहे एफपीएससी का हो चाहे पीपीएससी का हो, इंग्लिश का पार्ट्स आता है। कौन से पार्ट्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, नरेशंस होते हैं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, सेंटेंस कोलेक्शंस होता है, इडियम्स फ्रेसेस, ये इंग्लिश के पार्ट्स हैं। आपको मैं इसका सिलेबस प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल करम से उसी पार्ट्स के अंदर से ही पेपर आएगा इंशाल्लाह। एंड सेकंड वन इज मैथ। मैथ हमने क्या देखना है, कैसे पेपर आएगा इसमें से, 6-10 स्टैंडर्ड, 6 क्लास से 10 स्टैंडर्ड तक जो क्लास होती है उसके मैथ का सब्जेक्ट होता है, उसके बेसिक मैथ हम करेंगे और आपको इसका भी सिलेबस प्रोवाइड करूंगा, कोई मुश्किल नहीं है, बेसिक चीज होगी। थर्ड वन इज उर्दू, मुसन्निफ के नाम शेर आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा उर्दू के जो क्वेश्चन होते हैं 4-5 मैक्सिमम, मिनिमम 3-2
उर्दू के पार्ट्स आते हैं वो भी बता दूंगा आपको मैं। फोर्थ वन इज जनरल साइंस, सिक्स से टेंथ स्टैंडर्ड तक, सिक्स क्लास टू टेंथ स्टैंडर्ड क्लास तक जो साइंस के बुक्स होगी हमारे पास उसकी हम बेसिक चीजें करेंगे इंशाल्लाह, वो भी आपको सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। एंड करंट अफेयर्स, रिसेंटली इश्यूज कौन कौन से हो रहे हैं वो भी आपको मैं सिलेबस प्रोवाइड करूंगा। थर्ड सिक्स वन इज पाक स्टडीज, पाकिस्तान रिलेशंस, पाकिस्तान की स्टडीज, लॉज डिफरेंट, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एंड इस्लामिक स्टडीज एंड के जनरल नॉलेज। एंड नाइन्थ सब्जेक्ट इज आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, पांच से छह क्वेश्चंस एमसीक्यूज इसके आते हैं वो भी हम इंशाल्लाह इसे करेंगे। एंड फोर्थ लास्ट वन इज कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर बहुत सी बेसिक चीजें आती हैं लाइक कौन कौन से आपको बता देता हूँ मैं से, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इन पेज, इंटरनेट, ईमेल, एक्स्ट्रा, इंशाल्लाह आपको सब सब्जेक्ट्स प्रोवाइड सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा और स्टेप बाय स्टेप हम इस सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। और हमने ये जहन में रखना है कि हमने इसे थ्री मंथ में हमने कैसे सिलेबस कवर करना है और हमने 82-85 मार्क्स लेने, यस इंशाल्लाह हम ले सकते हैं, हमें खुद पे दिमाग होना चाहिए, ऐसे मैंने लास्ट में पॉइंट बात की मैंने। सो अगर आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। बस एक लास्ट बात करने लगा हूं कि पीपीएससी ने एक नया पैटर्न बनाया है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर ले रहा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ओल्ड पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है, इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पीपीएससी ने ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न में क्या डिफरेंस रखा है। अगर आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि डिफरेंस बिटवीन ओल्ड पैटर्न एंड न्यू पैटर्न। अल्लाह हाफिज़।